Hello students, welcome to concept videos on physics and mathematics. Our topic is surface tension. So basically students, होता क्या है? जो liquid होता है, surface tension उसकी एक property है, जिसके कारण क्या होता है? Liquid की जो free surface होती है, वो minimum area try करने का gain करती है, जिसे उस पर कोई tension apply किया गया है, just like a stretch elastic membrane. So देखिए, सबसे पहले definition देखते हैं. The property of the liquid at rest due to which its free surface tries to have minimum surface area and behave as it were under tension somewhat like the stretched elastic membrane. Is called surface tension. तो देखिए सरफेस टेंशन की अपने हमने बात कर ली. अब देखिए अब बात करते हैं कि जब लिक्विड में कोई मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल है उनको अट्रैक्ट करेगा. और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेट मॉलिक्यूलर फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, जीरो. यानी उस पर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल उसके चारों अवेलेबल है वो भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देखिए द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एग्जर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द ईच अदर. जितने मॉलिक्यूल से एक दूसरे पे क्या अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं. और नेट मॉलिक्यूलर फोर्स एक मॉलिक्यूल पर कितना होगा, जो कि कहां है, लिक्विड के अंदर है, उस पर जीरो होगा. द नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इज जीरो. ओके अब देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले. तो देखिए इस डायग्राम के अंदर क्या क्या आ गया है. देखिए यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है तो ये सभी मॉलिक्यूल्स पर क्या अप्लाई कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा. और इस पर इसके चारों ओर जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या अप्लाई करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे. सो उसके कारण क्या होगा, ये एक सर्कल बनेगा इस तरीके से. जो ये स्फीयर टाइप में जो ये बना है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्फीयर बना है इसको हम क्या कह देते हैं, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी. बट जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होता है, इस पर जो स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होता है वो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर नहीं होता, यानी कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर होता है उसका, जिसके कारण क्या होता है, जो नेट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. नेट फोर्स इस पर जीरो नहीं हो पाता और नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. यानी इस पर जो नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो क्या होगा, ये एक टेंशन फील करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये अपना सरफेस एरिया कम करने का ट्राई करेगी. जो लिक्विड की सरफेस है अपना सरफेस एरिया कम करने का ट्राई करेगी.
हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड की सरफेस है इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस डज नॉट हैव स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, कंप्लीटली लिक्विड में नहीं होता है। सो सरफेस मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस और डाउनवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स फील करते हैं। सो लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया जस्ट एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन डज।